शहीर के साथ है। दरअसल शहीर ने ही ढूंढा था उन्हें, शहीर ही उन्हें लेकर गया हॉस्पिटल, इलाज करवाया, अपने साथ रखा हुआ। शहीर मेरा पहला प्यार, अब आज़र भाई तुम्हें घर ले आएंगे और मुझे यकीन है तुम भी मुझे नहीं भूले होगे। मैं तुम्हारे बचपन का प्यार जो हूं, और शहीद मैंने सोच लिया है मैं तुम्हें हर कीमत पर मना लूंगी और फिर हम अपनी प्यार भरी दुनिया बसाएंगे। क्या हो रही? टीवी देख रही हूँ, आपको नजर नहीं आ रहा? बहुत जबान चल रही है तुम्हारी, और ये इतना बनठन के क्यों बैठी हो तुम? क्यों, सिर्फ आपको ही हक है कि आप बनठन के रह सकती हैं, और कोई तैयार नहीं हो सकता? ज्यादा जबान चलाने की जरूरत नहीं है, और ये जाओ जाके हांडी बनाओ शाम की। मैं सारे काम करके यहाँ बैठी हूँ। कर ली ना सारे काम, तो मेरे लिए जाके एक कप चाय बना, उठो चलो। आप जाए अपने लिए चाय खुद बना लें, और ये मेरे अब्बू का घर है और यहाँ पे बड़ी सारी चीजें भी उनकी दी हुई हैं। मैं जब चाहे जो चाहे कर सकती हूँ, आप कौन होती है मुझे इजाजत देने वाली? बात सुनो, तुम्हारे अब्बू अब अल्लाह के पास जा चुके हैं, तो ये घर भी मेरा है और इस घर की हर चीज मेरी है। मेरे सामने ज्यादा जबान चलाने की जरूरत नहीं है, समझी तुम? क्या सोच रही है तू? मेरी बच्चियों का बाप मर गया है तो ये लावारिस हो गई है, बेघर हो गई है। मत भूल मैं अभी जिंदा हूँ, कब्र में नहीं हूँ, और जब तक रुबीना जिंदा है इस घर की मालकिन सिर्फ और सिर्फ रुबीना है। आपके बेटे के दिल पर राज करती हूँ तो इस घर पे भी मेरा ही राज हो। मेरा बेटा तो है ही उल्लू, जिसको तूने अपने झूठे प्यार के जाल में फंसाया, लेकिन मैं अंधी नहीं हूँ, समझ आई? मुझे अच्छी तरह से तेरी औकात पता है। मेरी बेटी को नौकरानी बनाकर सारे काम करवाती है और आमिर के सामने तू अच्छी हो जाती है। देख नौशाबा, एक दफा तू जीत गई, हर दफा नहीं जीतेगी। मैं अभी जरा बिजी हूँ अपनी बच्चियों के मसलों में, तेरा नंबर भी आएगा, सीधा कर दूंगी, समझ आई तुझे? चल फुट के बस।